हेलो गाइस एंड दिस वीडियो इज़ फॉर दोस्ज जो लोग एग्ज़ाम्स देने वाले हैं नवंबर 2020 सीए इंटरमीडिएट की फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अगर आप लास्ट ईयर सीए फाउंडेशन क्लियर हुए हो, आपके ही क्लासेस में, आपकी पढ़ाई में कोरोना वगैरह आ चुका था और अभी आपको नवंबर 20 के एग्ज़ाम्स फॉर्म भरने हैं, एग्ज़ाम्स तो डिक्लेयर्ड है इज़न्ट इट। तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइज़। तो आई होप आपके पास लॉग इन डिटेल्स है ऑफ आईसीए एग्ज़ाम। तो लेट मी जस्ट क्विकली एक वॉक थ्रू वीडियो कि हम लोग कैसे फॉर्म भरने वाले हैं फॉर नवंबर 20 सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। प्लीज़ पूरा वीडियो वॉच करना, प्लीज़ देयर आर सम इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं बीच बीच में वीडियोज़ में आएंगे, तो प्लीज़ पूरा चेक करना। तो पहली बात, हम लोग जाएंगे आईसीए एग्जाम वेबसाइट पे, ओके, ICAI exam.ICAI.org पे, ओके। दोस्त ऑफ यू वॉन्ट सम एक्स्ट्रा, यू कैन से डिटेल्स कि हमको क्या क्या करना है क्या नहीं है, तो प्लीज़ यहाँ पे प्लीज़ ध्यान देना। यहाँ पे ऑन द फ्रंट ऑफ द ऑफ दिस पर्टिकुलर पेज आपको दिखेगा गाइडेंस नोट्स। गाइडेंस नोट्स में अच्छा, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। सो जो इंटरमीडिएट कर रहे हैं, इट इज़ आईपीसी और डैश न्यू, तो न्यू मतलब न्यू कोर्स, ये इंटरमीडिएट भी इसमें माना जाएगा। सो क्लिक ऑन दैट नोट्स फॉर इंटरमीडिएट ओवर देयर। इट्स अ काफ़ी बड़ा वैसे पीडीएफ फाइल है, तो आपको मतलब एग्जाम फॉर्म भरने के पहले वॉट एवर यू नीड, वॉट यू डोंट नीड, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट वॉट क्या करना क्या नहीं करना, बहुत कुछ इसमें दिया गया है। सो कैन गो थ्रू दैट एज वेल अगर आपको और थोड़ा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए रहेगा तो। अदरवाइज डायरेक्टली ये वॉक थ्रू के साथ तुम लोग कंटिन्यू रहो मेरे साथ, समझ जाएगा। तो आई थिंक तुमने जब सी ए फाउंडेशन का या फिर जब भी फॉर्म भरा होगा फॉर दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, यू शुड हैव द लॉग इन आई डी एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे लॉग इन रजिस्टर दिख रहा है, अगर गलती से मान लो तुम लोग भूल गए तो यू हैव दिस ऑप्शन ऑफ फॉरगॉट पासवर्ड, ओके। तो उसके तुम्हारे फिर से स्टूडेंट डिटेल्स अगर कुछ ना कुछ लगेंगे कि लॉग इन पर्टिकुलर सेंड थ्रू ई मेल, ऐसा कुछ ना कुछ हम लोग यहाँ पे डाल, मतलब दे विल गिव यू ऑप्शन हाउ टू गेट द न्यू पासवर्ड फॉर द वेबसाइट। अगर है तो वेल एंड गुड, लेट अस वी गिव अ ट्राई। जिनके पास है तो आई होप यू हैव रेडी ऑल ऑफ दिस अवेलेबल, राइट? सो लेट्स गो अहेड गाइस, चलो लेट्स ट्राई। तो एक है अभी मेरे पास स्टूडेंट के लिए लॉग इन, और जैसे हम लोग होम पेज पे आएंगे यू विल सी योर खुद का प्रोफाइल यहाँ पे, फोटोग्राफ, सिग्नेचर जो आप पहले बहुत भर चुके रहेंगे शायद सी ए फाउंडेशन के टाइम। प्लीज़ चेक करना कि ईमेल आईडी और मोबाइल आपका सही है, अभी भी इट इज़ वर्किंग, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आएंगे, इज़न्ट इट? तो यहाँ पे आपके बहुत सारे बेसिक डिटेल्स आने चाहिए। चेक ऑन द राइट हैंड साइड, अब कुछ कुछ चीज़ें क्लोज हो चुकी है बिकॉज यू कैन नॉट अप्लाई। सो अप्लाइंग फॉर सी ए फाउंडेशन मे 20 इज नॉट अलाउड बिकॉज आप मान लो पहले क्लियर हो चुके हो। अभी क्या अवेलेबल है आपके पास? आई पी सी ई दैट इज न्यू, दैट इज इंटरमीडिएट मान लो न्यू फॉर नवंबर 2020, इजंट इट? तो आपको क्लिक करना है ऑन अप्लाई नाउ, बट प्लीज ऑफकोर्स आपका खुद का प्रोफाइल का देख लेना कि सभी डिटेल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आर करेक्ट, ओके। लेट्स गो अहेड एंड क्लिक ऑन अप्लाई नाउ। तो आपके फिर से बेसिक डिटेल्स आ जाएंगे यहाँ पे, वॉट एवर वॉज अवेलेबल विद आई सी ई आई एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट। जस्ट चेक कर लेना कि वेदर ऑल ऑफ देम आर करेक्ट और यू कैन सी अपडेटेड एज ऑफ टुडे ऑल्सो, कि वो सभी डिटेल्स सही है। बेसिकली आपके क्या बेसिक डिटेल्स रहेंगे, नेम, पेरेंट्स नेम वगैरह, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, परमानेंट एड्रेस एक्सेट्रा, वो आपको ठग लगता है कि ये सब कुछ ठीक है, तो ऑब्वियसली यू गो एंड क्लिक ऑन सेव डिटेल्स, राइट? तो आई हैव अंडरस्टूड रेड वगैरह गाइडेंस नोट, ये एक डिक्लेरेशन आएगा, क्लिक ऑन ओके एंड गो अहेड, राइट? ओके, आई हैव स्कैन कॉपी ऑफ डिक्लेरेशन, वो भी मैं तुमको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। सो हैव द पेशेंस, वीडियो पूरा चेक कर लो तो तुमको समझ जाएगा तुम्हारे पास साथ में स्टार्टिंग में ऑफ द प्रोसेस व्हाट यू शुड हैव बेसिकली, राइट? ओके, क्लिक ऑन ओके। तो येस, दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट मान लो इज एलिजिबल फॉर वॉट, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन और ATE अकाउंटिंग टेक्नीशियन एग्जामिनेशन नवंबर 20 न्यू सिलेबस, ओके। सो बी केयरफुल आपने क्या सिलेक्ट किया, अदर उनके रिकॉर्ड में है बट जस्ट चेक। तो मीडियम ऑप्टेड आप कौन सा पेपर कौन से लैंग्वेज में देने वाले हो, मतलब द एग्जामिनेशन, तो जो भी रहेगा इंग्लिश या हिंदी, क्लिक ऑन दैट। तो क्लिक ऑन मीडियम ऑप्टेड इंग्लिश, मतलब अगर आप इंग्लिश में दे रहे हो तो। एग्जाम अप्लाइड, यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं इंटरमीडिएट बोथ द ग्रुप्स इन दिस एग्जाम्पल। तो आपके पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है कि क्या है क्या नहीं करना है, ऑल ऑफ दैट। सो अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो या फिर सेकेंड ग्रुप दे रहे हो या फिर दोनों ग्रुप दे रहे हो, यू हैव ऑल ऑफ दीज ऑप्शन, क्लिक ऑन वॉर इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स, राइट? सिलेक्ट रीजन फॉर एग्जामिनेशन सेंटर। तो मैं फिर से अब तुमको बता दूं दोस्तों कि हाउ टू फाइंड योर सेंटर्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो इतना तो तुमको पता है तुम्हारा सिटी जो भी रहेगा जहाँ से तुम्हारा एग्जाम सेंटर है, यू कैन क्लिक ऑन द जोन और रीजन। इन दिस एग्जाम्पल इट इज वेस्टर्न रीजन, राइट? और वेस्टर्न रीजन में बहुत सारे सब जोन्स रहेंगे, ओके, बहुत सारे सब जोन्स रहेंगे। तो इन दिस एग्जाम्पल सी इसको कैसे फाइंड करना, दैट इज वन शॉर्टकट ट्रिक, अदरवाइज देर इज ऑल्सो वन मोर मैं तुमको मेथड बताऊंगा। सो इन दिस एग्जाम्पल मान लो स्टूडेंट पुणे से है, तो आई चेक पुणे वन, यहाँ पे नहीं होगा, मतलब ऑन द राइट, ऑन द अदर साइड यू सी यार कि कुछ ना कुछ डिटेल्स दे रहे हैं, जोन्स दे रहा है, ओके। देन वी चेक ऑन वॉट पुणे टू, राइट? यहाँ पे भी नहीं है, मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल कि हम लोग जोन सिलेक्ट करते हैं
आपको साइड में ही आपको समझ जाएगा कि वो कौन से एरियाज कवर करते हैं। तो ये स्टूडेंट का एक्चुअली दिस आई विल सिलेक्ट ओवर। अगर आपको जानना है कि पहले से ही कि आपका जोन कौन सा है, जस्ट अगेन गो ऑन द वेबसाइट icaexam.ici.org, राइट। मैं तुमको और एक मैं तुमको तरीका बता रहा हूँ। ओवर योर क्लिक ऑन November 2020 एग्जाम डिटेल्स, क्लिक ऑन दैट, आपको यहाँ पे दिख जाएगा पहला ही एग्जाम सेंटर टॉप में, दिखा अभी सबको। अब इसके ऊपर क्लिक करोगे, फिर से आपका जोन सेलेक्ट कर लो, कौन सा जोन में आप आते हो। मान लो फिर से अभी मैंने किया, मान लो नॉर्दर्न रीजन, ओके नॉर्दर्न रीजन। फिर से आपको कुछ ना कुछ देखो, दिल्ली के बहुत सारे जोन कुछ ना कुछ है यहाँ पे, तो कौन से जोन में कौन सा एरिया आता है, दैट यू विल अंडरस्टैंड। हो गया, एवरीवन गॉट इट? लिया, सो सेलेक्ट योर जोन अकॉर्डिंगली, राइट। ओके, सो कन्वर्जन आगे जाके तो सेंटर कोड वहां पे आ जाता है। कन्वर्जन रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ इंटरमीडिएट, रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ इंटरमीडिएट, रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट आपने जैसे अगर एक एक ग्रुप किया था, सेकंड ग्रुप भी किया था या फिर बोथ ग्रुप किया था, राइट। तो आपने रजिस्ट्रेशन किया था या कन्वर्जन किया था, वो लोग वो पूछ रहे हैं। आपने आईपीसी से आईपीसीसी से जो भी था इंटरमीडिएट में आए हो, या फिर आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट में आपने एडमिशन लिया था, डायरेक्टली मतलब कैसे, थ्रू मे बी फाउंडेशन ऑल्सो, इजेंट इट? तो आपने कैसा किया, रजिस्टर्ड फॉर इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स, इजेंट इट? यस। तो आपको यहाँ पे ये डिटेल्स डालने पड़ेंगे, रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ इंटरमीडिएट आपको डालना ही पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ इंटरमीडिएट आपको ईमेल पे रहेगा, आपके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन आया रहेगा, कम्युनिकेशन आया रहेगा, ईमेल पे रहेगा दैट यू आर रजिस्टर्ड। जिस दिन ईमेल आया है दैट डेट यू कैन कंसिडर, दैट इज द डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सी इंटरमीडिएट। ओके, तो आपने एक ही ग्रुप किया था, दोनों दोनों ग्रुप्स किए थे, वॉट एवर इट इज, अगर अगर दोनों ग्रुप्स है तो सेम डेट डाल दो वहाँ पे। ओके, बोथ ग्रुप्स, इसका 11 फरवरी था 2020, राइट। ओके, आगे और मतलब अगर आपने कन्वर्ट किया है फ्रॉम एनी अदर स्कीम, आईपीसी पी टू आईपीसी ऐसे कुछ भी रहेगा तो की बात है ये, बट राइट नाउ दिस इज फॉर द मेन जो यहाँ पे पहली बार दे रहा है एग्जामिनेशन, दिस इज दिस वीडियो फॉर देम। तो अगर कन्वर्जन नहीं है तो एज इट इज छोड़ दो, है ना। इफ यू डायरेक्टली रजिस्टर्ड फॉर इंटरमीडिएट ये तुम्हारा रहेगा ऊपर, करेक्ट है। अगर कन्वर्जन यहाँ पर रहेगा नीचे। देन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, 4 डिजिट पिन चाहिए ऑफ एनी ऑफ योर चॉइस, या आपको जब एग्जामिनेशन आप जब ये करोगे डाउनलोड करोगे आपका रिजल्ट तब ये काम में आता है, बट प्लीज नोट इट डाउन कि आप क्या ले रहे हो। ओके, ये आप नोट डाउन करके रखना, व्हाट पिन यू आर टेकिंग, ऑल राइट। ओके, देन एंट्रेंस, कौन सी एग्जाम आप पहले पास हुए थे। सो आप अगर मान लो फाउंडेशन थे, मतलब एग्जाम्पल में फाउंडेशन है एंड यू पास इन November 2019, तो 11/2019 दैट इज द रीजन, इसलिए आप November 20 दे रहे हो ना, और November 19 का आपको चाहिए रोल नंबर, तो ये आपके पास रहना चाहिए, 16। ऑल राइट, ओके। डिटेल्स फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी, तो आपके पास क्या होना चाहिए बच्चों, आपके पास हॉल टिकट भी होना चाहिए, आपका रोल नंबर ऑफ फाउंडेशन एग्जामिनेशन जिसकी वजह से आप क्लियर हुए थे, राइट। डिटेल्स फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी, आप सी इंटरमीडिएट क्यों कर रहे हो और कैसे, बिकॉज ऑफ वॉट, बिकॉज डिटेल्स रजिस्टर्ड फॉर इंटरमीडिएट ऑन और बिफोर 1 मार्च 2020 बेस्ड ऑन हैविंग पास्ड फाउंडेशन। तो आप अगर जो भी एग्जामिनेशन पास होकर आपने इंटरमीडिएट में लिया था तो दैट यू हैव टू कंसिडर, अदरवाइज कन्वर्जन है, अदरवाइज डायरेक्ट एंट्री स्कीम यहाँ पे आपको दिख रहा है, विच एवर इज एलिजिबल या फिर आपको वो सिलेक्ट करना है, राइट एलिया। तो आप अगर फाउंडेशन November 19 में क्लियर होकर इंटरमीडिएट में किया था आपने रजिस्टर, दिस इज वॉट यू हर टू क्लिक, एलिजिबिलिटी इज वॉट, बाई क्लियरिंग इंटरमीडिएट, सॉरी बाई क्लियरिंग फाउंडेशन एंड यू आर रजिस्टर्ड फॉर इंटरमीडिएट ऑन और बिफोर 1 मार्च 2020, करेक्ट एवरीबडी? ओके, हम लोग आगे जाते हैं। पार्शियल इंटरमीडिएट तो है नहीं कि कुछ अपना ऑलरेडी, दिस इज लेट अस से दिस इज द फर्स्ट अटेम्प्ट उनके लिए है ये, बाद में हमारा एग्जामिनेशन तो है ही नहीं है, तो पहला अटेम्प्ट के अगर है उसके लिए हम लोग ये देख रहे हैं दिस पर्टिकुलर वीडियो, और ये सब आगे डिक्लेरेशन वगैरह है, तो क्लिक ऑन आई अग्री एंड लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट पेज, सेव एंड प्रीव्यू। ऑल राइट, दिस ओनली फॉर प्रीव्यू फॉर योर एप्लीकेशन, दिस शुड नॉट बी सेंड टू आईसीएआई, ओके, प्लीज रिव्यू द डिटेल्स गिवन बिलो। तो अगर कुछ भी चेंजेस रहेंगे तो एज इट इज एक करेक्शन विंडो खुलेगा इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, राइट, 4 सेप्टेम्बर के आगे वो खुलेगा, आई थिंक 7 सेप्टेम्बर से 13, ये आपके गाइडेंस नोट में यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ना पीडीएफ फाइल, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, ओके, कब से क्या वगैरह है, ऑल ऑफ दैट दैट विल बी अवेलेबल ओवर योर, राइट। ओके, प्लीज चेक योर डिटेल्स, आपके बेसिक प्रोफाइल डिटेल्स आ गए थे, मीडियम ऑप्टेड आपने इंग्लिश मतलब क्या लिया है, इंग्लिश या हिंदी, डिफरेंटली एबल्ड हो नहीं हो, इंटरमीडिएट बोथ द ग्रुप्स, फिर आपका जोन देख लेना, एग्जामिनेशन सेंटर देख लेना तो उसमें कोड भी आ जाएगा, करेक्ट है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सी इंटरमीडिएट और आपका 4 डिजिट पिन, राइट है,
एंड बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है, बिकॉज यू माइट हैव पास्ड फाउंडेशन इन नवंबर 19। यस एवरीवन ओके डलिया, ऑल राइट। बढ़ते हम लोग आगे, फिर से कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिए गए हैं एंड फीस फॉर बोथ द ग्रुप्स। अगर आपको फिर से फीस की डिटेल्स भी देखने हैं बच्चों, तो यहाँ पे फिर से आपको होम पेज पे दिखेगा ऑन दिस नवंबर 20 में फी स्ट्रक्चर फॉर इंटरमीडिएट। बच्चों इंटरमीडिएट न्यू स्कीम है ना, इंटरमीडिएट न्यू स्कीम या ये है 2700। ओके बोथ ग्रुप्स, क्योंकि यहाँ पे लिखा हम लोगों ने क्या, बोथ ग्रुप्स। ओके दिस वन इज 2700, राइट। 600 वगैरह ये तुम्हारा लेट फी एक्स्ट्रा वगैरह है, दैट इज सेपरेट, बट ओरिजिनल फीस इज हाउ मच, 2700। ओके डलिया, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। लेट्स गो अहेड। ऑल राइट, जस्ट क्लिक ऑन आई अग्री, ओके एंड देन गो अहेड। ऑल द बेस्ट गाइज यार, मतलब बी होपफुल यार, सब अच्छा अच्छा होने वाला है। यू श्योर यू डोंट वॉन्ट टू चेंज? नहीं भाई, यू डोंट वॉन्ट टू चेंज एनीथिंग, हम लोग सब सिलेक्ट कर ले, बढ़ते हम लोग आगे। ऑल राइट, तो यहाँ पे आपका पेमेंट विंडो खुल जाएगा, विच विल गो टू द पेमेंट गेट वे। जस्ट क्लिक, उसके आगे हम लोग क्लिक करेंगे। एज फार एज पॉसिबल बच्चों, ये तुम लोग डेबिट पेटीएम मत यूज करना, कभी कभी शायद इशू हो सकता है। यू कैन गो फॉर समथिंग एल्स, आई एम ट्राइंग भीम UPI फिलहाल। तो यस आया है कंप्लीट पेमेंट, तो हमको हमारे वो UPI ऐप में जाके चेक करना पड़ेगा पेंडिंग रिक्वेस्ट में। यस तो बी केयरफुल, पेमेंट आपका जो भी रहेगा जस्ट गो ऑन द फर्स्ट ट्रांजेक्शन, जो सबसे पहले हुआ है उसके पे जाना। एज इट इज ये प्लीज रिकॉर्ड करना, ओके प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और या फिर फोटो लेकर रखना प्लीज, ओके जब जैसे तुम्हारा हो जाएगा राइट। द पेमेंट इज सक्सेसफुल, आपको ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पे दिख जाएगा। प्लीज क्लिक ऑन डाउनलोड PDF, डाउनलोड कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म आपके रिकॉर्ड में होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन है डाउनलोड PDF। प्लीज डू चेक द बार कोड एंड पेमेंट डिटेल्स, जो भी है प्लीज रिफर गाइडेंस नोट, नो नीड टू सेंड। प्लीज इंपॉर्टेंट, प्लीज चेक करो, नो नीड टू सेंड दिस PDF, फोटो और साइन इज अवेलेबल ऑन द PDF, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज बाद में पूछना भी मत। मतलब हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, डिक्लेरेशन कोई है ही नहीं, जो आप एग्जाम पहली बार दे रहे हो, आपका आर्टिकलशिप भी शुरू नहीं हुआ है, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन का सवाल ही नहीं बनता, कुछ नहीं करना है आपको। एंड अगर अभी डाउनलोड PDF पे अभी हम लोग क्लिक करेंगे, ओपन करके हम लोग चेक करेंगे इसको राइट, तो इसकी भी हमको ज़रूरत, अगर इस पे फोटो आ जाता है जैसे आपका फाउंडेशन में आया था, फाउंडेशन में तुम्हारा साइन और फोटो, दैट्स इट। तो आपको कुछ भी अभी करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज द लास्ट स्टेप, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इफ़ योर फोटो एंड साइन इज़ अवेलेबल ऑन दिस पर्टिकुलर PDF। डन टेल यू एवरीबॉडी, समझा सभी को, आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल, प्लीज शेयर विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, है ना, एंड ऑल द बेस्ट गाइज, वॉट एवर टाइम इज रिमेनिंग, तोड़ दो फोड़ दो मस्त एकदम, बड़ा बढ़िया पढ़ाई करो, कीप अ फिंगर्स क्रॉस, ऑल द वेरी बेस्ट एंड माई बेस्ट ऑफ माई विशेज आर देयर विल ऑलवेज विद यू, ऑल द बेस्ट गाइज, ऑल द बेस्ट एंड फिल योर फॉर्म एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि तुमको डिक्लेरेशन को देना ही नहीं है CA का, भर दो यार गाइज, है ना। चलो गाइज, तोड़ दो फोड़ दो, ऑल द बेस्ट, टाटा, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।